आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हैं, उसमें क्या क्या बदलाव है। सबसे पहले आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर एक सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आपको एक लैविश लाइफ जीने के लिए दे सकता है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्योंकि उतना इनकम नहीं है, डैट इज़ वाई लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी मूव करना चाहते थे। तो ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ क्वालिटी कोचिंग क्लासेस। द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था ताकि हम लोग इकोनॉमिकली भी मजबूत हो सके और मॉनेटरी यानी जो भी पैसे से रिलेटेड लेन देन होता है वो मॉनेटरी होता है, उसको मॉनेटरी बोलते हैं, उसकी प्रॉस्पेरिटी बनाए रखने के लिए कंट्री का हम लोग को इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया में इंडस्ट्रीज जो है बहुत कम थी, हम लोग बहुत कम ही ऐसा कह सकते थे कि ये बिलोंग मतलब रिलायंस बिलोंग्स टू इंडिया, टाटा बिलोंग्स टू इंडिया आज कहते हो ना, लेकिन उस टाइम पे क्या था, उतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी। अगर कुछ ही थी तो वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी या जो केवल जो है मतलब हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो, आपके कॉटन इंडस्ट्रीज कुछ आपको मिल जाएंगी, ये सारे इंडस्ट्रीज थी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी मीन्स जैसे रिलायंस बोलते हो ना, रिलायंस बिलोंग्स टू इंडिया, तो रिलायंस ने क्या प्रोड्यूस किया, मोबाइल फ़ोन है ना, और टाटा ने आप फोर व्हीलर्स हो गया, बस ट्रक्स, ये सारी चीज़ें टाटा जो है अपनी लेके आया। तो हम लोग आज कह सकते हैं कि ये जो है इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में अब काफ़ी हो चुकी हैं, लेकिन उस टाइम पर नहीं था, कुछ ही थी, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। एंड व्हाट इट प्रोवाइड्स मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर इंडस्ट्रीज लग जाएंगी इंडिया में है ना, रिफॉर्म लाना है, तो ये सबसे पहले हमें क्या देगा, मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पीपल इंगेज 12 मंथ्स थ्रू आउट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर कंटिन्यूस प्रोडक्शन, बट इट इज़ नॉट सीन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जो इंडस्ट्रीज में काम करेगा वो तो कंटिन्यूस काम करेगा है ना, 12 मंथ्स काम करेगा, प्रोडक्शन जो है करता रहेगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को देखोगे तो वहाँ पे क्या है, आप जानते हो कि सारे जो फसलें हैं उनके कुछ सीजन होते हैं है ना, फसल उग गई तो फिर वो उस पीरियड के लिए किसान जो है बिजी है जब तक जो है फसलों की हार्वेस्टिंग वीडिंग ये सब होता है। लेकिन जब एक बार फसल काट चुके हैं, उसको मार्केट में सेल कर चुके हैं, तो वो कुछ दिनों के लिए अनएम्प्लॉयड भी हो जाते हैं। मीन्स कि 12 मंथ जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको काम नहीं मिलेगा, कि 12 महीने उसमें काम नहीं होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, उसमें 12 महीने काम होता है। डैट इज़ वाई एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड्स मोर स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड वॉट इज़ द सेकेंड पॉइंट, प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रीज जो है आपको मोबाइल फ़ोन आज दे रहा है ना, आपकी हर ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। मीन्स अगर आप आज क्या टिकटॉक चल रहा था जो बैन हो गया, उसके लिए बच्चे क्या कर रहे थे, हैलोजन वाली लाइट और स्टैंड ये सारी चीज़ें खरीद रहे थे। ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कहाँ होती हैं, इंडस्ट्रीज में होती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इंडस्ट्रीज आपको मॉडर्नाइज भी कर रहा है, डैट इज़ वाई इंडस्ट्रीज प्रमोट मॉडर्नाइजेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर नीड्स टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी चाहिए थी, और अभी उतना पैसा नहीं था कि बाहर से टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट किया जा सके। और ये कैसे पॉसिबल होगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कैसे कराई जा पाएगी, जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगेंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ही नई टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी बनेंगी, और जो जिसका फ़ायदा किसको मिलेगा, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलेगा। दैट इज़ वाई इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन है ना। तो ये था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जब रहेगा, इंडस्ट्रीज बनेंगी, तभी तो उसमें प्रोडक्शन होगा और टेक्नोलॉजी भी वहीं पर प्रोड्यूस होती है,
और वो टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर सेक्टर में किया जा सकेगा, जिससे मैनुअल वर्क कम हो जाएगा और किसान जो है थोड़ा राहत की सांस ले पाएगा। क्योंकि आप जानते हो अराउंड 60-70% पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है बताओ, एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड है ना, ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब बची हमारी कितनी, 30% पॉपुलेशन जो कि इंटरेस्टेड नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने के लिए। तो दैट इज वाई कि इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड पड़ी, क्योंकि 30% लोग जो अनएम्प्लॉयड थे वो वहाँ पे एम्प्लॉयड हो सके, क्योंकि हो सकता है ये पढ़े लिखे हों, है ना, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं जाना चाहते हैं। दैट इज वाई नीड ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब उसकी डिमांड जो है बढ़ने लगी, तब जाके इंडस्ट्रियाज जो है यहाँ पे इंडिया में लगनी शुरू हुई। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इफ पीपल गेट स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गेट मॉडर्नाइज देन इट प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली विच ऑल्सो गेट रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग नेशनल इनकम। अगर लोग अब जैसे भी दो पॉइंट पढ़े हो, वही जो है ये दो पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए, कि अगर लोगों के पास स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा, मीन्स कि वो निरंतर काम करते रहेंगे, कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे, और वो मॉडर्नाइज भी हो चुके हैं, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज ने मॉडर्नाइजेशन का भी प्रमोशन किया था। तो अगर वो मॉडर्नाइज हो गए हैं, स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उन्हें मिल गया है, तो वो कंटिन्यूस प्रोडक्शन करते रहेंगे, है ना। और ये कि क्या बढ़ाएगा आपके, जब कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता रहता है तो ऑटोमेटिकली आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, है ना। फोर्थ इज बूस्ट ग्रोथ पोटेंशियल, इसमें पढ़ते हैं, ओनली इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव द एबिलिटी टू बूस्ट अवर इकोनॉमी। केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास ही एक मतलब एबिलिटी थी कि वो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर सके, यानी कि बढ़ा सके, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स ओनली सस्टेनेबल ग्रोथ। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था कि वो केवल सस्टेनेबल ग्रोथ ही करवाता था, मींस जितना सस्टेन कर सकते हैं, कंजम्पशन हो गया, कुछ कमा लिए, हो गया। लेकिन अगर आपको लैविश लाइफ जीनी है, आप चाहते हो कि मेरे पास कार हो, है ना, मोबाइल फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन में आईफोन कैटेगरी के फ़ोन्स हो, तो उसके लिए क्या करना होगा कि इंडस्ट्रीज में काम करना होगा, है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लोग मूव करेंगे उनकी इनकम अच्छी होगी तो उनका ग्रोथ भी बढ़ेगा, है ना। तो एग्रीकल्चर सेक्टर सस्टेनेबल ग्रोथ प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है, लग्जूरियस लाइफ जीनी है, तो मतलब लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंगेज होना होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन हमेशा होता रहता है, स्टेबल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है, और मॉडर्नाइजेशन भी आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ इज इंक्रीजेस एक्सपोर्ट। जैसा कि आप जानते हो कि ब्रिटिशर्स जो है हम लोग को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाया था और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की थी, है ना, इंडस्ट्रीज को हटाने की कोशिश की थी और लोगों को फोर्स किया था कि वो इंडल्ज हो किस में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन जब इंडस्ट्रीज इंडिया में अब लग रही हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल नाउ फिनिश गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड। तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने की जगह, क्योंकि उसमें फ़ायदा कम है, हमें क्या एक्सपोर्ट करना होगा, हमें फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करना होगा। सिक्स पॉइंट इज मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में भी मॉडर्नाइजेशन चाहिए, एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी चाहिए। एक तो लोग भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मॉडर्नाइजेशन में लेके आना है, और वो पॉसिबल हो पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर नीड्स टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी कैन बी ओनली प्रोवाइडेड बाई इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड किसके द्वारा कराई जा सकेगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर के द्वारा। दैट इज़ वाई इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव टू बी प्रमोटेड। इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी था और यही सारे रिफॉर्म्स देखने को मिले थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स में। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।